हेलो फ्रेंड, ये कार्टेज है 803 HP का। इसमें ये कैसे फिल करते हैं ये मैं आज प्रोसेस आपको समझाऊंगा और साथ के साथ करते हुए भी दिखलाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कलर हैं, मैं रिफिल दिखलाता हूँ आपको। एक तो ये है नीला कलर और दूसरा ये है, ये दोनों कलर, ये तीन तरह के कलर आते हैं, ठीक है। मैजेंटा, येलो और ब्लू, इस तरीके का कलर आता है। आज मैं आपको फिल करके दिखलाऊंगा ये कैसे करते हैं फिल। अब आपको 3 सिरिंच लेना पड़ेगा और सिरिंच की सहायता से इसमें से कलर निकालना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कितना कलर निकालना है, बाकी आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से कलर डाल सकते हैं, कितना कितना डालना है और कम से कम कितना डालना है वो मैं आपको दिखलाता हूँ साथ के साथ। अब इसमें से रिफिल कैसे निकालें, इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से तीनों सिरिंज में इतना इतना निकाल लेंगे। मेरी ज़रूरत कम है इस वजह से मैंने कम निकाला है। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा जितना भी है एयर निकाल लेंगे एक्स्ट्रा। इसी तरीके से इसका भी एयर निकाल लेंगे। इसी तरीके से इसका भी एयर निकाल लेंगे। अब कार्टेज में रिफिल डालेंगे। अब कलर वाइज है, कलर कौन सा कलर किस में डालना है वो देखना है। अब जैसे ये येलो कलर इसमें डालना है ऊपर वाले में, ये भर दीजिए। इसी तरीके से ये नीला कलर है, नीला कलर ये रहा। इसमें अब ये वाला कलर इस वाले बच्चे वाले में डाल दीजिए। अब इसकी एयर निकालने के लिए इसको ऐसे करेंगे। ये पूरा सही तरीके से फिट बैठ गया। अब इसकी सहायता से इसमें डाल के अब ऊपर की तरफ खींचेंगे थोड़ा सा। एक एयर निकल गया, जो भी जमा एयर होगा वो निकल गया। अब फिर उसके बाद इसको रुई की सहायता से पहुंच देंगे। अब इसमें 3 कलर दिखने चाहिए, ये 3 कलर जैसे ये इस तरीके से। अब ये रिफिल फिल हो गया। अब इसको मशीन में डाल के ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।